दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में, जिसमें हम आज से एक नई सीरीज चालू करने वाले बीसीए एंड बीसीएस कॉलेजेस के रिव्यू में, जिसमें हम सबसे पहले देखने वाले फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे का रिव्यू। तो अगर आपको किसी और कॉलेज का भी रिव्यू चाहिए होगा तो आप उसका नाम और सिटी का नाम मुझे कमेंट में बता सकते हो, उस पर भी मैं रिव्यू आपको बना के दूंगा। और आज हम देखने वाले फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे का रिव्यू, जिसका नैक ग्रेड देखेंगे, इनटेक कितना है, हॉस्टल के कितने सीट्स वहाँ पे अवेलेबल है, सारे हम देखने वाले। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो में लाता रहता हूँ। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि जो जनरल इंफॉर्मेशन है वो देखते हैं। तो देखिए, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटीज का एक कॉलेज है फर्ग्यूसन कॉलेज ऑफ पुणे। तो इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर जो है 1885, बहुत पुराना कॉलेज है, 1885 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और इसका जो एफिलिएशन आईडी है यूनिवर्सिटी से, तो ये यहाँ पे दिया हुआ है। और इसका जो एड्रेस है वो है फर्ग्यूसन कॉलेज कैंपस एफसी रोड पुणे, तो ये इसका एड्रेस है। और इसका जो वेबसाइट है वो www.fergusson.edu, ये वेबसाइट है। और इसका जो स्टेटस है वो अनएडेड, मतलब यूनिवर्सिटी एडेड है। और इसका ये एटोनॉमस कॉलेज है और ये नॉन माइनॉरिटी में आता है, मतलब यहाँ पे अगर आपको एडमिशन लेना है तो नॉन माइनॉरिटी में ही आपको अप्लाई करना पड़ता है। और यहाँ पे देखते यूनिवर्सिटी एफिलिएशन, जैसे कि मैंने बताया कि सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड है ये कॉलेज। और इसका जो नैक ग्रेड है वो है ए, मतलब जो नैक होता है एक सिस्टम बॉडी है, तो वो हर कॉलेज को एक ग्रेड देती है उसके, ये वहाँ पे जो फैसिलिटीज अवेलेबल है उसके हिसाब से। सबसे पहला माना जाता है ए प्लस, और उसके बाद है ए, बाद में आता है बी। तो इसका जो ग्रेड है वो ए, मतलब ये कॉलेज बहुत अच्छा है, इसीलिए इसका जो ग्रेड है वो यहाँ पे ए दिया हुआ है। और गर्ल्स और बॉयज हॉस्टल की यहाँ पे जो है ना वो उन्होंने इंफॉर्मेशन दी नहीं है, तो यहाँ पे मैं बता नहीं सकता कि यहाँ पे एक्चुअल में हॉस्टल अवेलेबल है या नहीं उन्होंने, क्योंकि वहाँ पे वेबसाइट पे कुछ भी मेंशन नहीं किया है हॉस्टल का। तो उसके बाद देखते हैं कौन कौन से कोर्सेस अवेलेबल है और कितने सीट्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो देखते हैं कि बीएससी कंप्यूटर साइंस जो है तो वहाँ पे जो है 192 सीट्स अवेलेबल है, और जो ब्रैकेट में दिख रहे हैं तो 22-23 में जो है एडमिशन, जितने बच्चों ने लिया है उतने सीट्स यहाँ पे दिखाए, मतलब 192 सीट्स थे उसमें से 178 वहाँ पे एडमिशन हुए 22-23 इस ईयर में। उसके बाद एमएससी कंप्यूटर साइंस, तो उसके जो है 66 जो सीट्स है वहाँ पे अवेलेबल थे और वो पूरे फुल एडमिशन वहाँ पे हुए हैं। और उसके बाद एमएससी कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो इसके 66 सीट्स में से 62 सीट्स जो है वहाँ पे एडमिशन हुए हैं। तो ये उसके कोर्सेज हो कुछ उनके इंटेक थे, तो आप ये भी देख सकते हो कि वहाँ पे कितने एडमिशन होते हैं। उसके बाद देखते हैं कि इसका जो फी स्ट्रक्चर कितना है। तो देखिए फी जो है ना, तो मैं एकदम से परफेक्ट तो नहीं बता सकता, बट इसका एक रेंज बता सकता हूँ कि यहाँ पे जो है 45,000 से लेके 85,000 तक की फी होती है, और एक कोर्स के हिसाब से भी अलग अलग हो सकती है। तो अगर आपको वहाँ पे एडमिशन लेना है तो आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए, एक तो उनकी वेबसाइट पे अगर डाला होगा तो वो भी आप देख सकते हो, या उन्हें कॉल करके भी पूछ सकते हो कि आपको कितनी फी लगेगी। अगर आप किसी कास्ट में आते हो, कैटेगरी में आते हो, तो उसके लिए कितनी फी है आप वो एक बार इंक्वायरी कर लीजिए। और अगर आपको किसी और कॉलेज का भी रिव्यू चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो उस कॉलेज का नेम, तो मैं उसके भी ऊपर एक वीडियो ला सकता हूँ। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।